तो कैसे हो मैं चैम। माय नेम इज अर्शद पठान एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग का किंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मैचेस जो 2017 में हुए हैं। टॉप 5 मैचेस, तो उसकी शुरुआत करते हैं अब। चलिए, पहली मैच है, पांचवी मैच है बैलर वर्सेस टायर्स। ये मैंने चुना है फिफ्थ में। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने चुना है फिफ्थ में। बैलर वर्सेस टायर्स TLC में हुई थी। क्या मैच थी, हमें यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइंग हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले, जैसे कि फिनोमिनल फोरआर्म्स और बैलर के फ्लाइंग मूव्स। यहाँ पर जीत हुई फिन बैलर की और फिन बैलर AJ स्टाइल ने अपना लोगो दिखाया, बुलेट क्लब। और ये चौथी मैच रही आपके सामने, शेन मिकमैन वर्सेस केविन ओवेंस इनसाइड हेल इन अ सेल। व्हाट द मैच यार, क्या मैच थी। जब वो दोनों ऊपर टॉप हेल इन अ सेल के टॉप पर जाके लड़े, क्या माहौल था वो। और जब शेन मिकमैन ने टॉप रोप हेल इन अ सेल से नीचे शेन के ऊपर उड़ी मारी, तभी सैमी जैन ने आके केविन ओवेंस को हटा दिया और यहाँ पर हमारे केविन ओवेंस की जीत हुई। लेकिन मैं चाहता था इसमें शेन मिकमैन जीते, लेकिन क्या कर सकते हैं, WWE है, इसे यू ही रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग नहीं कहा जाता। ठीक है, अब अपने थर्ड मैच में आते हैं, द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, गोल्डबर्ग वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। क्या मैच थी रेसलमीना की 5-स्टार मैच थी मेरे ख्याल से। इसमें हमें बहुत सारे मूव देखने को मिले, जैसे कि जैक हैमर। हमें लगा था यार लेसनर हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने किकआउट किया। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिला स्पीयर बहुत सारे देखने को मिले। फिर हमें देखने को मिला जर्मन सुप्लेक्स सिटीज देखने को मिली हमें। फिर लास्ट में द बीस्ट इन कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर ने अपना फिनिशर मूव लगा के अपने नाम किया, F5 लगाया आखिरी में, और यहाँ पे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने अपनी जीत हासिल की। ये मैंने थर्ड पे रखा है। अब नंबर सेकंड पे आते समर स्लैम, याद होगा ना आपको, नंबर टू पे रखा है लेसनर वर्सेस रिंग्स वर्सेस जो वर्सेस स्ट्रोमन। क्या मैच थी, मुझे ये मैच देख के इतना मज़ा आया, मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता, इतना मज़ा आया मुझे। यहाँ हमें रॉ के 4 बड़े सुपरस्टार देखने को मिले। यहाँ पे हमें लास्ट में ब्रॉक लेसनर ने F5 लगाया रोमन रिंग्स को और रिटेन किया अपना यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैम्पियन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और आते हैं अब नंबर एक पर, जॉन सीना वर्सेस 1-on-1 AJ Styles एट रॉयल रंबल फॉर द WWE चैम्पियनशिप। ये रॉयल रंबल में मैच हुई और ये मैच थी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप, जिसे कहा जाता है WWE चैम्पियनशिप। यहाँ हमें 2 बड़े सुपरस्टार देखने को मिले, हमें यहाँ पे बहुत बेहतरीन मूव्स देखने को मिले। और लास्ट में सीना ने डबल ए ए दे के ये मैच अपने नाम की और वो बन गए रिक फ्लेयर के साथ 16-टाइम WWE चैम्पियन। जी हाँ, 16-टाइम WWE चैम्पियन बने जॉन सीना। ये थे मेरे ख्याल से 2017 के 5 टॉप मैचेस। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। थैंक्स गाइस।